हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एक ही जगह से व्लॉग डेली स्टार्ट करता हूँ यार, बोर तो नहीं हो जाते हो? चल जो भी हो, तो बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है यार। जहाँ पे लर्निंग होगा वहाँ पे थोड़ा सा बोर भी हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं आप लोग, मुझे पता है। साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इन ब्लॉग्स से, दैट्स वाई मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस सीरीज़ को, और आप लोगों को और भी ज़्यादा ग्रो होता हुआ मैं देखना चाहता हूँ। तो मार्केट खुल चुका है, सुबह के 9:40 हो रहे हैं। एक सेलिंग का साइड का पोजीशन मैंने लिया था छोटा सा, अभी यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बना रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे, ये वाला जो स्लैश स्विंग ब्रेक किया ना मार्केट, उसके बाद ये 815 तक का लेवल था, थोड़ा सा जस्ट मिस किया है। 815 के आसपास से एक हैमर टाइप का कैंडल बना के उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं इस जोन में कितना बेरिश हो पा रहा है मार्केट। अगर इस जोन में ही रहता है, ये लास्ट स्विंग जो है नहीं ब्रेक करता है। कौन सा लास्ट स्विंग मेरे भाई? ये वाला लास्ट स्विंग अगर नहीं ब्रेक करता है और यहीं से एक रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है, तो थोड़ा सा हम बेरिश कंटिन्यूशन में रह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली टारगेट के आसपास से, जैसे 815 का टारगेट आपको बताया था, 819 820 से हैमर बना दिया है। सो गाइस, 1 मिनट लेफ्ट रह गया है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। यहाँ पे मैंने एक सेल का ट्रेड लिया था और यहाँ पे हैमर बना, हैमर के जैसे ऊपर निकला यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन काट दिया, और अभी शांति बैठा हूँ। 10 बजे आरबीआई की अनाउंसमेंट आने वाली है, तो देखते हैं क्या है। मॉनेटरी पॉलिसीज का क्या फर्क पड़ता है हमारे बाजार पर, कौन बता सकता है? चलिए, मैं नहीं बोलूंगा, जनता बोलेगी। मैं नहीं बोलूंगा, जनता बोलेगी। जिसको जितना लंबा कमेंट हो जाए मैटर नहीं करता है, अच्छे तरीके से समझाइए, सामने वालों को समझ आना चाहिए, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, जैसे आपको आता है अच्छे तरीके से समझाइएगा। ठीक है, लोगों को समझ आना चाहिए कि क्या फर्क पड़ता है मार्केट पे और क्यों मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम। सो ये है मॉनेटरी पॉलिसी का जलवा। कोई ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं आया है, और कोई चेंजेस, नो चेंजेस के वजह से एकदम से मार्केट शूट अप किया है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे अभी अपने बहुत स्ट्रांग डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन पे खड़ा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या करेंगे, क्या ट्रेड लेंगे। छोटा सा ट्रेड मैंने अपने अकाउंट में लिया था मॉर्निंग में, पुट में, क्योंकि मैं यहाँ पे जो हैमर बना यहीं पे कहीं एग्जिट कर दिया। देखो, बहुत ज़रूरी है यार आपको एग्जिट डिसाइड करना। अगर मैं बैठे रहता होप में, लालच में, तो इतना बड़ा ऊपर मूव आता और हमें लॉस लग जाता है ना। बहुत ज़रूरी है यार एग्जिट प्लान करना। तो ये मार्केट कोई पैटर्न बनाना चाह रहा है, फ्लैग एंड पोल मत बोलना, दिख रहा है। फेवरेट पैटर्न आपका कौन सा है ये बोलो, कौन सा फेवरेट पैटर्न है कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने कमेंट्स आ रहे हैं और कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। आपका फेवरेट पैटर्न, चार्ट पैटर्न, आपका फेवरेट चार्ट पैटर्न कौन सा है? तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैग एंड पोल डिस्कस किया। इवन थोड़ा सा रिस्की मैंने इसको बोला, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक क्या था, 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहीं पे सेम एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये वाला यहाँ पे कहीं ट्रेंड लाइन आ रहा था, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश किया है। बट हाँ, यहाँ पे मुझे ये था कि थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ सकता है, इसलिए मैंने कहा क्वांटिटी कम रखिएगा। तभी बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया है और सुपर पैसे बन रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये सारे कॉल्स में अच्छा खासा पैसा बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे बहुत सही रिजेक्शन, बहुत सही ब्रेकआउट किया है और अच्छा खासा मूव दे दिया है। अप्रॉक्सिमेट 40 पॉइंट अगर मैं यहाँ क्लोजिंग से डिस्कस करूँ, तो एट द मनी पे भी 40 पॉइंट प्रीमियम में पैसा दे रहा है और काफ़ी शानदार चल रहा है, काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस, सुपर फ्लैग एंड पोल वर्क करता हुआ और प्रीमियम हमारा अप्रॉक्स 80 रुपीज़ बढ़ गया है। ये छोटे से पुल बैक पे मैंने भी छोटा सा एक एंट्री कर लिया था और अभी चल रहा है कंटिन्यू। तो देखते हैं क्या कर रहा है, किस तरीके से कहाँ तक लेके जाता है। 400 तक का लेवल मुझे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अभी आपको प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। ये देखिए, ये सब हमारे भाई लोग हैं। भाई पोजीशन लगा दो प्लीज़, अच्छा लगा देते हैं भाई, लगा देते हैं तो बहुत शानदार, बहुत शानदार यार। एक लॉट में 900, 4000, 2000, ये देखो, देख रहे हो रैली, देखो निफ्टी में भी प्रॉफिट चल रहा है। तो ये कहाँ पे होता है? ये हमारे लाइव स्ट्रीम में होता है। अगर आप लाइव स्ट्रीम में आते हो तो हिट द लाइक बटन और अपनी हाजिरी लगवाइए। ठीक है, सो भाइयों, हो गया है मार्केट पूरा साइडवेज और हम जस्ट बैठे हुए हैं। ऊपर की तरफ गया फ्लैग एंड पोल, आपको जैसे कि हमने डिस्कस किया था फ्लैग एंड पोल, और वहां से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि प्रॉफिट में निकले, उसके बाद एक पुट में ट्रेड एक्टिवेट हुई और शानदार टारगेट हिट किया पुट ने। और आप लोग लाइव में हैं तो आपको पता ही है, तो उसका लॉजिक थोड़ा सा देता हूँ ना, आपको मजा आएगा, बहुत आपकी साइकोलॉजी बेसिकली बिल्ड होगी। तो यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा है, और इस चार्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें,
तो यहाँ पे हमारा कॉल एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे एक स्विंग बनाया, जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे नीचे आया, फिर अगेन स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया। हिट करने के बाद इस लेवल का ब्रेक किया। देखिए क्या हुआ मार्केट का, मार्केट कंटिन्यूस अपने अप ट्रेंड में चल रहा था, कोई एक बार भी अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, लास्ट स्विंग का ब्रेक डाउन किया। तो जब आपके पास लॉजिक स्ट्रांग हो ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप फिर पोजीशन में बैठा करो। क्या हो जाता अगर यहाँ पे मेरा ये फेल होता, तो छोटा सा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता या इस कैंडल के ऊपर का, यहाँ पे डोजी जो बना था, इस डोजी के आसपास स्टॉप लॉस लगा था मैं, वो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता। बट अगर टारगेट मिल रहा है तो यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट्स थे, तो ये मेरा टारगेट था। उसके पीछे का लॉजिक क्या था इस टारगेट का, मैंने इस स्विंग से इस स्विंग तक एक फिब मार्क किया, और फिब मार्क करने के बाद इसका 50% का रिट्रेसमेंट मेरा टारगेट था, और रिट्रेसमेंट किया है और अभी भी उसी जगह पे रुका है। निफ्टी कंसोलिडेशन एरिया में है, अगर ब्रेकडाउन करेगा तो पुट में चलेंगे। तो गाइज यहाँ पे मार्केट ने डिसेंडिंग पैटर्न बनाया, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया और इसका ब्रेकडाउन किया है, काफ़ी सही आ गया। बाय द वे लाइव में आज हमने एक प्रीमियम डिस्कस किया था, अगर आप आते हो व्लॉग में, ठीक है भाई, व्लॉग में कुछ चीज़ पूछ रहा हूँ और आप लोगों को रिप्लाई करना है, ये मैं लाइव में बोल रहा हूँ। तो अगर आप लोग व्लॉग में आते हो तो लाइव में हमने एक निफ्टी का प्रीमियम डिस्कस किया था, जो कि 12 रुपये का था, जो कि 12 रुपये का प्रीमियम था और वो एकदम से 35 रुपये हो गया था। तो वो कौन सा प्रीमियम था कमेंट में बताइएगा। Hey guys, say hi guys. सो गाइज यहाँ पे गुग्गू आ चुका है ऑफिस में और बहुत सही पैसा दे दिया बाजार ने, यहाँ पे इस रिजेक्शन के नीचे पुट में अच्छा खासा दे दिया, क्योंकि एक्सपायरी है तो प्रीमियम्स ज़्यादा आ गए, मतलब लॉट्स ज़्यादा आ गए, और लॉट्स ज़्यादा आने की वजह से प्रॉफिट अच्छा बन गया, स्टॉप लॉस छोटा था। और निफ्टी का तो पूछो ही मत, आप लोगों को पता ही है भाई 12 रुपये का प्रीमियम कहाँ चला गया, अब क्या ही बोले। तो भाई तब काफ़ी बढ़िया लग रहा है, चलो। सो गाइस यहाँ पे एक डिसेंडिंग पैटर्न, एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न है और समय हो गया है 3:08। एक 0-0 यहाँ पे 41,100 का पुट कर सकता है, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट तो वो 0-0 हो जाएगा, अदरवाइज आज यहीं पे मार्केट क्लोज होना चाहिए। चलिए तो अभी अभी जस्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे इसको नीचे आना चाहिए, और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ है। अभी तक 3:12 हुआ है, 40 रुपये का एक प्रीमियम हमारा 75 रुपीज़ तक चला गया, 41,100 का, और काफ़ी शानदार वहाँ पे ट्रेड हो गया है हमारा। 0-0 वही था अगर आप लाइव में आए थे, बहुत सारे लोग यार 0-0 में रोने लग गए थे, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा आगे। फिलहाल हमारा ये एनालिसिस और ये व्यू हमारा जो कि बिल्कुल कामयाब होता हुआ हमें नजर आया है। गुग्गू कहाँ है, किसी ने गुग्गू को देखा यहाँ पे? ओह माय गॉड, हु इज दिस? घोस्ट? ओह माय गॉड, इज घोस्ट? नो नो, देन आई गुग्गू, यू गुग्गू, वे, ओह माय गॉड, स्पाइडर, ओह माय गॉड, डोंट गो देयर बेबी। देखो मार्केट क्रैश हो रहा है। तो भाई जो 0-0 हमने डिस्कस किया और वो काफ़ी शानदार हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था जब यहाँ पे था मार्केट, यहाँ से 40 रुपये के आसपास था वो 0-0 जब हमने डिस्कस किया, और अभी अगर हम देखेंगे तो अप्रॉक्स 70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सो गाइस होप आपको आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ेंगे, व्लॉग को ख़त्म करेंगे, उससे पहले 2-3 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, एक ट्रेडर मार्केट में क्यों आता है? आप मार्केट में क्यों आए हो? सर मार्केट से बहुत प्यार है, सर मुझे ट्रेडिंग अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट असली बात क्या है, पैसा कमाने आए। तो फर्क नहीं पड़ता है चाहे कॉल बुक लेकर बनाए, चाहे पुट लेकर बनाए, चाहे स्ट्रेडल करें, चाहे स्ट्रेंगल करें, चाहे ऑप्शन सेलिंग करें, ऑप्शन बाइंग करें, मेन मोटिव पे प्रॉफिट आना चाहिए, राइट? सो आज का दिन क्या रहा, मॉर्निंग में हमने कॉल साइड में ट्रेड किया, पैसा बना, पुट साइड में ट्रेड किया, पैसा बना, राइट? पुट साइड में दोबारा ट्रेड लिया था जब हमने हेड एंड शोल्डर को, हाँ बहुत लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लिया होगा, बहुत लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवाया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसा कॉल में भी हमें भी दिया है, पुट में भी दिया है। लास्ट में फिर हमने 0-0 में आ गए, हम 0-0 ट्रेड में। अब जब मॉर्निंग में आपका ध्येय क्या रहना चाहिए, आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, जब मॉर्निंग में आपको प्रॉफिट हो गया है तो 0-0 ट्रेड हम कर क्यों रहे हैं? पैसा बनाने के लिए। तो पैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा भी, क्यों, रिस्क तो रहेगा ना। हमारा मार्केट क्या है, रिस्की मार्केट है हमारा। हम जब पैसा बनाने जाएंगे, जितना बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे उतना बड़ा हमारा रिस्क भी रहेगा। तो पैसा बनाने जाएंगे तो रिस्क रहेगा, तो हम बड़ा पैसा क्यों बनाने के लिए ट्राई करें 0-0 में, क्योंकि बड़ा पैसा बनाएंगे तो बड़ा रिस्क रहेगा। जितना मॉर्निंग का प्रॉफिट था उसका 20%, 30%, 50% हम 0-0 में लगाएंगे,
या तो जीरो हो जाएगा या हीरो हो जाएगा। आज क्या हुआ, जीरो हीरो में बहुत सारे लोगों ने जीरो ट्रेड ले लिया 40 रुपीज के आसपास में। हमने कॉल डिस्कस किया था, पुट डिस्कस किया था 40 रुपीज के आसपास में हमने पुट डिस्कस किया था, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना ही नहीं था, 41,100 के ऊपर जाना ही नहीं था, मुझे पता था। तो मैंने बोला कि भाई इसमें हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोगों ने किया, वो प्रीमियम आ गया 30-20 ऐसा कुछ आ गया था 30-20। बहुत सारे लोग पैनिक हो गए भाई, रोने लग गए, बल्कि निफ्टी के भी पुट में गए थे, और निफ्टी का एक पुट हमारा फर्स्ट 10-12 रुपए का पुट 50 रुपए के आसपास पहुंच गया था। अगेन फिर बहुत सारे लोगों ने उसी पुट को ले लिया, जब 10 रुपए दोबारा आया, हमने डिस्कस किया था कि ले सकते हैं, ले लिया। अब वो तो चलो जीरो हो गया, बट बैंक निफ्टी में इश्यू क्या हुआ, 20 रुपीज तक आ गया, लोगों ने पैनिक में एग्जिट कर दिया और गाली गलौज करने लग गया लाइफ में। उसके बाद वो पुट फिर से बढ़ गया 70-75 रुपए के आसपास। अब भाई अफसोस। तो जीरो हीरो का मतलब क्या है, या जीरो होगा या हीरो होगा। तो अगर जीरो हीरो किया हो तो छोड़ दो उसको, एंड तक छोड़ दो, 5 पैसे तक का होने तक, 5 पैसे का होगा तभी काटेंगे। जीरो हीरो का मतलब यही है। तो अगर आप सर इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकते तो क्वांटिटी ही उतनी लो जितना आप जीरो करवा सकते हो। तो जीरो हीरो अगर आप नेक्स्ट टाइम से कर रहे हो तो एक मेक श्योर कीजिए कि उतना ही क्वांटिटी कीजिए जितना आप जीरो कर सकते हो। यहाँ पे जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, और आज का मार्केट ऐसे ही रहा है। ट्राई कीजिए, छोटे छोटे मार्केट को लॉसेस दीजिए, मार्केट उसके बदले में आपको एक दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। जैसे आज आपने एग्जांपल देख लिया, एमपीसी की मीटिंग थी और वहाँ पे अंशु जो हमारा मॉडरेटर है उसने एक कॉल बाय किया था, और एकदम से मार्केट में एक तगड़ा मोमेंटम आया क्योंकि कॉल ने 150 पॉइंट के अराउंड दे दिया। तो ये दिन आपके साथ भी आएगा, बस जरूरत है आपको मार्केट में बने रहने की। होप करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।